हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड आर्ट गैलरी। मैं अरीबा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेड कलर का पिलो कवर कैसे पेंट किया जाता है, और इसको मैं पेंट करते आपको दिखाऊंगी। आप ये देख सकते हो, इसका ये फ्लावर है और इसे हमें पेंट करना है। तो इसके लिए हमने चार कलर का यूज़ किया है, वाइट 27, और ये इसको सैप ग्रीन बोलते हैं, ये 21 है, और ये येलो, और ये डार्क ग्रीन 06। ठीक है, ये चारों कलर का मैं यूज करूँगी। और ब्रश जो है वो आप देख सकते हो, ये 2 नंबर है, और ये 6 नंबर है, और ये 4, ये भी 4। ठीक है, अगर आप पेंटिंग के लिए ब्रश लेना चाहते हो तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आप कैमलिन कर लो, ये बहुत ही अच्छा होता है, अब मैं यही यूज करती हूँ। और एक ये है रॉल्सन का, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने लिया है सैप ग्रीन जो है उसको, और इसमें थोड़ा सा हम वाइट कलर मिक्स करेंगे जिससे ये और भी हल्का कलर में आ जाएगा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमें रेड कलर का पिलो कवर या फिर बेडशीट जो होता है उसको पेंट करना होता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो ये रेड कलर है तो फिर हम फ्लावर किससे बनाएं, लिप्स किससे बनाएं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप बना सकते हो, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वाइट कलर से ही बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हम वाइट कलर का यूज नहीं कर रहे हैं, ये सैप ग्रीन है, इसको और भी हमने हल्का बना दिया है, ये और भी लाइट कलर में आ गया, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसको अच्छे से फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और फिर इसमें हम जो डार्क ग्रीन जो हमारे पास है उसका यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर आउटर लाइन कर लेंगे थोड़े से सेट के साथ। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। कुछ इस तरीके से नीचे एक साइड तक सेट कर देंगे जिससे ये और भी सुंदर लगेगा, और इसी तरीके से ये वाला भी लिप्स हम कंप्लीट करेंगे। पहले जो सैप ग्रीन है या फिर लाइट कलर जो भी आप यूज कर रहे हो वो कुछ इस तरीके से, शायद आपको फ़ोन में ये ज़्यादा ही वाइट दिखता होगा लेकिन ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है कुछ इस तरीके से। और इसको भी हम अच्छे से डार्क ग्रीन कलर से बना लेंगे। ठीक है, मैं अपने चैनल पे हमेशा इसी तरह के वीडियो लेके आती रहती हूँ, कभी बेडशीट डिज़ाइन तो कभी रुमाल के डिज़ाइन तो कभी पिलो कवर डिज़ाइन। तो अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट पे हमें ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, इसे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और फिर हमें भी समझ में आती है कि हम किस तरह के वीडियो अपलोड करें जो आप लोग देखना चाहते हैं। अब ये दोनों कंप्लीट हो गया, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ इस तरीके से, इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से पहले जो लाइट कलर है उसे फिल करेंगे, और उसके बाद डार्क ग्रीन कलर से आपको दिखाते हैं। ऐसे बस सिर्फ लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसी तरह के बाकी जो सब है हम कंप्लीट कर लेंगे, और जो यहाँ का जो डंठल है उसे भी हमने बना लिया। अब येलो कलर का यूज करना है फ्लावर्स के लिए, तो फ्लावर हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे और कोई साइड नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा इसको हम कलर कर लेंगे, अच्छे से फिल कर लेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पहले आउटर लाइन और फिर इसको अच्छे से फिल कर लेना है। इसी तरह के बाकी भी जो छोटे छोटे फ्लावर्स है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरीके से वीडियो तो आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते हैं,
और ना ही आपका ज़्यादा MB खर्च होगा, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वाला भी फ्लावर हम कंप्लीट करेंगे। पेंट करना बहुत ही आसान होता है। आई थिंक ये जैसे कि हम मशीन से पेंट बनाते हैं सॉरी और हाथ से कढ़ाई करते हैं उससे तो इजी होता है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप पेंट आपको पेंटिंग नहीं आती होगी तो, क्योंकि ये बहुत ही इजीली हो जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मैंने भी अभी अभी इसे सीखा है, वो भी सिर्फ आप लोग के लिए। और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और भी अच्छे अच्छे आपको पेंटिंग डिजाइंस दिखाती रहूँगी। देख सकते हो अब ये वाला फ्लावर्स हम बनाएंगे, कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। अब कोई भी फ्लावर्स बनाओ तो उसका आउटर लाइन पहले आप क्लियर करो, ठीक है, और फिर बीच में बाद में आप फिल करना। अब आप सोचोगे ये इसने तो खुद बीच में फिल किया, तो मैंने बीच में फिल नहीं किया था, वो ब्रश हमारा थोड़ा सूख रहा था इस वजह से मैंने उसको साफ़ किया, ठीक है। और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आउटर लाइन हम पहले कर लेते हैं तो वो हमारा फ्लावर्स और भी अच्छा बनता है, कुछ इस तरीके से। पहले हम आउटर करेंगे और फिर बीच में इसे फिल कर लेंगे। और फिर ये जो बचे इसको अच्छे तरीके से हम फिल करेंगे ताकि बिल्कुल थोड़ा सा भी ना बचे रेड कलर का, कुछ इस तरीके से। जितना अच्छा से आप फिल करोगे उतने ही अच्छा सा हमारा फ्लावर बन के रेडी होगा, और अगर बीच बीच में छूट जाता है तो फिर वो फ्लावर अच्छे नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आप चाहो तो सिक्स नंबर वाला जो ब्रश है उसका यूज कर सकते हो। मैंने ये आप लोग को दिखाने के लिए लिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिक्स नंबर का नहीं होता है, तो आप टू नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन जब सिक्स नंबर का हम यूज करते हैं तो उससे और जल्दी से ही बन जाता है हमारा फ्लावर, कुछ इस तरीके से हम करेंगे। इसमें ज़्यादा टर्निंग है लेकिन कोई बात नहीं। और अगर आप बिंगर्स हो तो आपके लिए वो वाला ब्रश ज़्यादा अच्छा होगा जो टू नंबर के मैंने दिखाया था, सॉरी फोर नंबर का जो दिखाया था डॉट ब्रश। कुछ इस तरीके से इसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। और सेम इसी प्रोसेस से हम ये वाला भी जो फ्लावर है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट होने के बाद कैसा लगता है। जब ये सूख जाता है ना तो फिर और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, आप देख सकते हो। इसको मैंने अच्छे से फिल कर लिया बिल्कुल बराबर, और ये वाला बिल्कुल हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो ये हमारा पिलो कवर हो गया है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।